हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रूपालीस किचन। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस और यम्मी दम आलू की रेसिपी, जो कि हम फटाफट से बना लेंगे और बिना किसी झंझट के। तो ये रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लें। तो इसके लिए हमने लिए हैं यहाँ पर छोटे साइज़ के आलू। तो मार्केट में छोटे साइज़ के आलू मिले थे, मैंने फटाफट से ले लिए, और इन उसको हमें प्रिक करना है, मतलब फोक से हम इसमें छेद कर लेंगे, क्योंकि जब हम इसे ग्रेवी में डालेंगे या तलेंगे तो इसके अंदर जो है मसाले अंदर से घुस जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं सारे आलूओं को प्रिक करके इनको रख लूँगी, तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे हमने सारे आलू तैयार कर लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कुकर में मैंने यहाँ पर लिया है दो छोटी जो है क्या बोलते हैं उसको पली, मैंने ऑयल लिया है, बहुत ही कम ऑयल इसमें लगता है। उसके बाद में हम ऑयल में डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च। उसके बाद में हम अपने सारे आलू को जिनको हमने प्रिक करके रखा हुआ था उन आलूओं को हम इसमें डाल देंगे। और अब हमें क्या करना है, इनको अच्छे से फ्राई करना है। तो फ्राई कर लेंगे तो इसके ऊपर एक अच्छा सा क्रस्ट बन जाएगा, जो कि जब हम आलू की सब्ज़ी खाते हैं तो ये बड़ा अच्छा लगता है। वैसे तो ये आलू ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके बाद में हमने इसमें मैंने डाला है आधा चम्मच जीरा पाउडर, और उसको भी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से, जब तक इसके ऊपर एक हल्का सा क्रश नहीं आ जाता तब तक हमें इसे फ्राई करना है। तो अब मैंने लिए कुछ मसाले, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और उसके बाद में हमने इसमें डाल दिया है पानी। मसालों में पानी डालने से क्या होता है कि हमारे मसाले जब हम डालेंगे फ्राई ऑयल में तो वो जलेंगे नहीं, तो इसलिए यहाँ पर हमारे आलू जो हैं वो तल चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इन आलुओं को बाहर निकालेंगे। ये देखिए इनके ऊपर एक हल्का सा क्रस्ट आ गया, कितने सुंदर लग रहे हैं, ये अभी बहुत डिलीशियस लगेंगे। ऐसे ही आप इसके ऊपर नमक डाल के खा लीजिए और सच में ये बहुत टेस्टी लगेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपने आलू को निकाल लिया, और उसके बाद में जो बचा हुआ ऑयल था उसी ऑयल में, हमने कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डाला इसमें, उसी ऑयल में हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज। तो प्याज को अगर आप बारीक नहीं भी काटेंगे तो भी चलेगा, वैसे मैंने बारीक काट लिया था। अब इसके बाद में मैं इसमें डालूंगी नमक, और ये डाल दिए हमने इसमें बारीक कटे हुए टमाटर। तो अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी जो है इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और यहाँ पे हमने डाल दिए हैं अपने जो मसाले, हमने पानी डाल के रखे थे फूल गए थे वो, तो उन मसालों को हम इसमें डाल देंगे और उसको भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम 5 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि हमारे मसाले भी पक जाए। और यहाँ पर उसी कटोरी में जिसमें हमने मसाले दिए थे थोड़ा और एक्स्ट्रा पानी डाल के मैंने इसमें डाल दिया, ताकि हमारे मसाले जले ना। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल मैं नहीं डालूंगी, ये ग्रेवी थोड़ी सी थिक बनती है और ये थिक ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अब मैं डाल रही हूँ लास्ट में इसमें 2 चम्मच जो है दही, दही फेट के डाले, मैंने यहाँ पे फेट के नहीं डाला, मुझे थोड़ी जल्दी थी। और उसके बाद में हमने इसमें डाल दिया है अपने आलूओं को। यहाँ पर हमारे सारे आलू डाल के हैं, और जो बचा हुआ ऑयल इसमें आ गया तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। तब हम अपने सारे आलूओं को जो है इसमें मसाले में अच्छे से कोट कर लेंगे और घुमा घुमा के थोड़ा सा पका लेंगे मसाले को, बस 5 मिनट के लिए रखना है। अब उसके बाद में हमने लगा दिया इसका ढक्कन, और हम इसमें केवल 1 सीटी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 सीटी मैंने ले ली थी, और उसके बाद में मैंने इसकी भाप निकाल के अब इसको खोल दिया है। देखिए हमारी डिलीशियस सी दम आलू की सब्जी जो है फटाफट वाली बन के तैयार हो गई है। तो अभी मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अब हम कर रहे हैं सर्व, ये बहुत ही डिलीशियस बनी थी सब्जी, ट्रस्ट मी गाइस। अगर एक बार आपको, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, इसे छोटे छोटे जब आलू मार्केट में आते हैं तो ये सब्जी बनाने में बड़ा मज़ा आता है। तो लास्ट में हम इसे करेंगे हरे धनिए से गार्निश। तो हमारी यहाँ पर सब्जी हो गई है तैयार, ये देख सकते हैं आप कितने गोल गोल आलू कितने अच्छे लग रहे हैं, और ये बहुत लुढ़क रहा था। तो हमारी सब्जी हो गई है बनके तैयार, ये बहुत ही डिलीशियस और यमी दम आलू की सब्जी बनके है तैयार। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।